सेकेंड प्रॉब्लम देखो, ग्रुप का ऑर्डर है अगर 30 तो हम क्या बोल सकते हैं? देखो ग्रुप का ऑर्डर अगर है 30 तो इसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं? ठीक है, अभी जब थ्योरम यूज करेंगे, शिलो थ्योरम, तो उसकी हेल्प से हम ये बता देंगे लैग्रांज थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30. कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम. कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30. अब ऑर्डर 30 के कितने ग्रुप्स होंगे वो चार्ट में हम देख लेंगे. तो जो भी ग्रुप है, ऑर्डर 30 के जो भी ग्रुप्स है, वो उसमें कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड होगा. इट मीन्स अगर कोई नंबर 30 को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर का या उस नंबर के ऑर्डर का उसके पास सब ग्रुप पक्का होगा. ये हम बताएंगे बाय यूजिंग द शिलो थ्योरम. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या है? 30 है, और 30 कैन बी रिटर्न एज ए 2 × 3 × 5. नाउ ऑर्डर ऑफ 2SSG आप देख सकते हो इजीली, ऑर्डर ऑफ 3SSG एंड ऑर्डर ऑफ 5SSG. सिंपल है, दिख रहा है. नाउ नंबर ऑफ 2SSG इन दिस ग्रुप जी 1+2K एंड दिस, चलो ऐसे नहीं, ये तो नंबर निकालना होता है, एंड दिस 1+2K शुड डिवाइड दिस 3 × 5 ना. ऑफ कोर्स के इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड, तो 1+2K क्या क्या आएगा? तो देखो सिंपली यहाँ पे क्या है, 3 और 5 है, तो वो डिवाइजर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड 35 हो, 3 × 5 15 हो सकता है. तो आप देख सकते हो 1 तो होगा, 3 बनेगा जब के 1 रखने पे, 5 बन रहा है ना जब आप के इक्वल टू 2 रख रहे हो, एंड 15 भी बन रहा है. ये पॉसिबिलिटी है. सो नंबर ऑफ, अब आप देखना उसमें ग्रुप में जो आप देखोगे ऑर्डर 30 के जो अप टू आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप होंगे वो 4 होंगे. मतलब मुझे जस्ट याद है, ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला लगा लिया और बता दिया, तो उसमें 4 है, क्योंकि जस्ट इतना सा याद है मुझे. क्योंकि देखो 2SSG जो है 1, 3, 5, 15 आ रहा है, तो यानी डिफरेंट आ रहा है 2SSG. तो यानी 2SSG का ऑर्डर जो है क्या है, 2 है. तो ऑर्डर 2 के एक ग्रुप में 1 होंगे, ऑर्डर 2 के सब ग्रुप 1 में 3 होंगे, ऑर्डर 2 के सब ग्रुप 5 होंगे, ऑर्डर 2 के सब ग्रुप 15 होंगे. तो डिफरेंट ग्रुप में ऑर्डर 2 के सब ग्रुप जो है वो डिफरेंट होंगे, तो 5 होंगे. तो कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड हो रहा है, ये मुझे याद है यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 के लिए. तो मैं डायरेक्ट बता पा रहा हूँ कि ऑर्डर ग्रुप का जो ऑर्डर 30 होगा उसके अप टू आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप होंगे वो 4 होंगे. अदरवाइज हम चार्ट में चेक कर लेंगे उसके. सो नंबर ऑफ 3SSG 1+3K एंड ऑफकोर्स 1+3K डिवाइड 2 × 5. 1 तो आएगा ही, 1, 5 नहीं बन रहा है ना, 2 भी नहीं बन रहा है, सो 10 बन रहा है. 3 × 3 करने पे 9 हुआ, प्लस 1 10 बन रहा है, ये दो. तो ऑर्डर 3 और नंबर ऑफ 3SSG, ऑर्डर 3 के जो सब ग्रुप होंगे या ऑर्डर 3 के सब ग्रुप जो होंगे, या यूनिक हो सकता है या 10 हो सकता है. सिमिलरली नंबर ऑफ 5SSG 1+5K शुड डिवाइड 2 × 3, है ना, 1 एंड 1 एंड 6. अब देखते हैं इसमें, सपोज नंबर ऑफ 5SSG जो होगा अगर 6 हो गया, इट मीन्स यहाँ से तो ये कन्फर्म हो गया है कि ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 5 का तो इसके पास सब ग्रुप होगा. और हमें अब दिखाना है कि ऑर्डर 10, है ना, ऑर्डर 15, ऑफकोर्स ऑर्डर 30 का तो है ही, और कौन सा होगा, ऑर्डर 10, ऑर्डर 15, ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 भी डिवाइड कर रहा है ना, ऑर्डर 6, इनके भी इसके पास सब ग्रुप होंगे इन ऑर्डर के. तो देखो जरा, सपोज हम यहाँ से लेके चलते 5SSG से स्टार्ट करते. सपोज नंबर ऑफ 5SSG इन जी जो है 6 है, यहाँ दो पॉसिबिलिटी दी है, हम 6 लेके चलते हैं, है ना. तो देखो हमारे पास क्या है, 2SSG है, अब फिलहाल 2SSG है, 3SSG है एंड 5SSG है. तो ये इन टाइप के सब ग्रुप्स तो है हमारे पास. अब देखो कोई एक भी अगर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2, इसका 3 है, इसका है 5. तो अगर कोई भी एक नॉर्मल हो जाता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट करके हम बना सकते हैं ऑर्डर 6 का. अगर ये नॉर्मल हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम बना देंगे ऑर्डर 6 का. अगर ये नॉर्मल हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके हम बना देंगे ऑर्डर 15.
बाय द ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इन टू ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के थियरम से, तो वो जो हमारा ऑर्डर आ जाएगा वो सिक्स आ जाएगा, तो केवल थ्री नॉर्मल होने से, है ना। जैसे थ्री नॉर्मल हुआ, थ्री एस एस जी अगर नॉर्मल हुआ तो थ्री इंटू ये फाइव, फाइव एस एस जी जो होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक नया सब ग्रुप बनाएगा जिसका ऑर्डर 15 हो जाएगा, ठीक। अगर फाइव एस एस जी नॉर्मल हो गया, तो अगर फाइव एस एस जी नॉर्मल हो गया तो फाइव इंटू थ्री करके वो 15 बनेगा और फाइव इंटू टू करके वो 10 दे देगा, ठीक है। तो ये फाइव इंटू टू करके वो 10 दे देगा। तो हमें दिख रहा है जो भी डिवाइजर है आपके 30 के वो सभी आ गए, तो 1 और 30 तो ऑलवेज होंगे ही होंगे, ठीक है। 1 और 30 वो तो होंगे ही होंगे, इटसेल्फ और ट्रिवियल तो ऑलवेज सब ग्रुप हो गए, बाकी भी डिवाइजर्स जो है वो सब ग्रुप बना रहा है, प्रोवाइडेड या तो 3SSG नॉर्मल हो या 5SSG नॉर्मल हो या 2SSG नॉर्मल हो, इन किसी ना किसी को हमें यहाँ पे नॉर्मल शो करना है। तो नॉर्मल शो करना है तो वी हैव द सिलो थियरम्स। तो हमने सिलो थियरम का यूज करके देखा, यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ये जो है 2SSG जो है इतने हो सकते हैं, 3SSG ये हो सकते हैं, 5SSG ये हो सकते हैं। अब हम देखते हैं, सपोज मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ 5SSG जो है, अब सपोज 6 है, अगर 5SSG 6 है तो क्या ये सभी नॉट यूनिक होंगे, यानी कोई सभी क्या नॉट वन होंगे, या 3SSG है वो 10 हो सकता है, क्या 2SSG जो होगा 1 के अलावा कुछ हो सकता है, तो हमें ये चेक करना है। तो जस्ट देखो यहाँ पे, तो अब ये हमें चेक करना है, तो जस्ट मैं यहाँ से नीचे से नंबर ऑफ 5SSG जो है हायर से मैं उठाऊंगा और इसके लार्ज नंबर से उठाऊंगा मैं, यानी 5SSG सपोज 6 है ये मान के चलेंगे, तो सपोज नंबर ऑफ 5SSG जो है, नंबर ऑफ 5SSG 6, तो से वो जो है H1 H2 H6 है ना, H1 H2 H3 H4 H5 H6 है 5SSG, यानी इसके पास 5 ऑर्डर के 6 सब ग्रुप हैं, यही है इसका मतलब। तो अगर ऐसा है तो अब देखो जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, क्योंकि देखो 5SSG का ऑर्डर क्या है, 5SSG का ऑर्डर 5 है, 5 मीन्स ऑर्डर 5 प्राइम यानी साइक्लिक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन H1, एक H1 के लिए कर रहा हूँ, इन H1 जो होंगे वो क्या होंगे, 5-5 हो जाएंगे विच इज 4 सिंपली, यानी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो सारे उनका ऑर्डर जो होगा वो 5 ही होगा, तो वहां से हमने निकाल लिया दिस इज 4। सो नंबर ऑफ, अगर एक H1 में 4 एलिमेंट है ऑर्डर 5 के, तो 6 में कितने हो जाएंगे H1 H2 H6 में, बस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज इन ऑल SSG, ऑल 5SSG इज इक्वल टू 4 × 6, क्योंकि 6 है, और प्लस 1 क्योंकि हमने आइडेंटिटी भी यूज किया है कि नहीं, एक आइडेंटिटी भी तो होगा कॉमन, तो वो आइडेंटिटी भी हमने यूज किया है, सो 4 × 6 प्लस 1 इज आइडेंटिटी, ठीक है, एक आइडेंटिटी है नंबर, तो ये टोटल कितने हो रहे हैं 25। तो अब देखो, जब ये 25 हुए तो ग्रुप में अब कितने एलिमेंट रिमेन होंगे, तो टोटल ग्रुप का ऑर्डर क्या है 30, तो इतने यूज हो चुके हैं, तो ग्रुप के पास अब कितने एलिमेंट रहे, रिमेनिंग एलिमेंट्स इन द ग्रुप, जी ऑफकोर्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कर दे, टोटल 30 माइनस विच इज यूज इन हियर इज इक्वल टू 5। अब देखो, अब आपने अगर ये सपो एज्यूम कर लिया आपके जो 5SSG ये, तो अब आपके पास केवल 5 एलिमेंट बचे जो कि अदर सब ग्रुप में यूज होंगे, है ना, इसके पास 3SSG भी है 2SSG भी है, ये कन्फर्म है, तो हमें अब क्या करना है, 3SSG भी बनाना है 2SSG भी बनाना है। अब देखो जरा, मैंने सपोज कर लिया, सपोज 3SSG या ऐसे लिखता हूँ, नंबर ऑफ 3SSG इज 10, ठीक है, मैं 1 नहीं ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ, तो अगर नंबर ऑफ 3SSG 10 है तो 3SSG का ऑर्डर क्या है 3, यानी वो भी साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक आपको सब ग्रुप है, तो यहाँ पे जो है 3SSG में ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एक में 2 तो सभी में 20। सो अगर यहाँ पे आप बोल दो इसको, सपोज से K1 K2 एंड सो ऑन K10,
आर द नंबर ऑफ थ्री एस एस डी सपोज. तो हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री इन के वन में कितना हो रहा है, टू. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन द ऑल थ्री एस एस डी ये कितने हो रहे हैं, टू इंटू दिस 10 यानी 20. तो अब देखो 20 थ्री एस एस डी के लिए यूज हो गए एंड आपके पास 25 ऑलरेडी ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे यूज हो गए. तो टोटल आप देख रहे हो 25 प्लस 20 अगर हम कर रहे तो ये आ रहा है 35 विच इज ग्रेटर देन 30. तो इतने एलिमेंट तो ग्रुप के पास है ही नहीं जो इनको बना पाए, है ना, ये तो ज़्यादा दे रहा है. सो नंबर ऑफ थ्री एस एस डी कैन नॉट बी 10. ठीक है, सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ थ्री एस एस डी इज 1. वाई सो, बिकॉज टोटल जो नंबर है हमारे जो यूज हो रहे वो 25 प्लस कितना है 20 इज इक्वल टू 35 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 30. ऐसा नहीं हो सकता भाई, ग्रुप के ऑर्डर के 30 है और एलिमेंट आप यूज कर रहे हो इससे ज़्यादा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. देयरफॉर नंबर ऑफ थ्री एस एस डी जो होगा वो यहाँ पे आपका ये 10 नहीं हो पाएगा. तो इस केस में नंबर ऑफ थ्री एस एस डी आपका क्या आया, 1 आया, है ना. नंबर ऑफ थ्री एस एस डी इज 1. क्लियर, नंबर ऑफ थ्री एस एस डी इज 1. एंड आप देखो नंबर ऑफ थ्री एस एस डी 1 आया, डेफिनेटली ये 1 ही होगा, ये इट मस्ट बी 1. हमने ये कंफर्म कर दिया है नंबर ऑफ थ्री एस एस डी 1 ही होगा. नाउ आगे बढ़ो, आगे बढ़ते और हम देखते हैं भाई अगर नंबर ऑफ थ्री एस एस डी 1 है, ठीक, नंबर ऑफ थ्री एस एस डी 1 है तो नंबर ऑफ टू एस एस डी क्या हो सकता है. बिल्कुल 3 ही बचे क्योंकि 2 तो यहाँ यूज कर लिया उसने, 5 बचे थे, 2 तो यूज कर लिया, अब 3 बचे. तो 3 के लिए कौन सा नंबर फिट हो रहा है यहाँ पे, देखो जरा 3 फिट हो रहा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ टू एस एस डी जो होगा यहाँ पे 3 होगा. देयरफॉर नंबर ऑफ टू एस एस डी इज 3. अब कुछ नहीं करना, पूरा फुलफिल है, सारे एलिमेंट यहाँ यूज हो रहे हैं. अब देखो इसी में अब सपोज मैंने किया सिमिलरली सेम प्रोसीजर में यूज कर रहा हूँ. सपोज नंबर ऑफ थ्री एस एस डी मैंने ले लिया 10. क्लियर, नंबर ऑफ थ्री एस एस डी मैंने ले लिया 10. तो यहाँ पे इसने कितने एलिमेंट यूज किया, 20 अभी देखा है ना, 21. अब देखो अगर मैं नंबर ऑफ 5 एस एस डी में 6 ले लूँ तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा. जैसे मैंने 6 लिया था तो 10 ले रहा था तो ज़्यादा नंबर एलिमेंट आ रहे थे. ऑफकोर्स यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ 10 ले रहा हूँ, अगर मैं 6 ले लूँगा तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा हो जाएंगे ग्रुप के ऑर्डर से, ग्रुप के एलिमेंट से. देयरफॉर अगर मैं ये 10 ले रहा हूँ तो 5 एस एस डी को नॉर्मल होना ही पड़ेगा. ठीक है, 5 एस एस डी को यानी ए सिंगल 1 ही होना पड़ेगा. तो इस केस में अगर आपने यहाँ 10 यूज कर लिए और यहाँ पे आपने क्या यूज किए, 5 एस एस डी 4 एलिमेंट और यहाँ 21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एस एस डी कितने होंगे, ऑफकोर्स 5 हो. ठीक है, 2 एस एस डी होंगे 5 यहाँ. तो अब देखो जरा हमारे पास मिला दो तरीके से गए. सो वी हैव अ 2 नॉर्मल सब ग्रुप, एक तो 3 एस एस डी नॉर्मल आ रहा है, एक 5 एस एस डी नॉर्मल आ रहा है. तो 3 आप जैसे ही आपको पता चल गया 3 एस एस डी भी नॉर्मल आ रहा है, 5 एस एस डी भी नॉर्मल आ रहा है, सो आप क्या करोगे, जस्ट यूज ईयर. तो सिमिलरली चलो ऐसे लिख लेते हैं, सिमिलरली ऑफकोर्स यहाँ से तो आपने देखो 3 एस एस डी नंबर ऑफ 3 एस एस डी 1 निकाल लिया. सिमिलरली इफ नंबर ऑफ 3 एस एस डी इज 10 देन नंबर ऑफ 5 एस एस डी इज 1. ठीक है, ऐसे भी हमने निकाल लिया. सो देयरफॉर 3 एस एस डी एंड 5 एस एस डी आर यूनिक सेपरेटली. ऑफकोर्स देखो एक बार ये ले रहे तो एक बार हम ये ले रहे, दो केस बना रहे तो दो केस में ये 3 एस एस डी एंड 5 एस एस डी यूनिक आ रहे हैं. सो अगर ये यूनिक आ रहे तो ये क्या होंगे, नॉर्मल होंगे. से 3 एस एस डी जो है आपका एच ए एंड 5 एस एस डी आपका के, तो आपको ये पता है ना. एंड ऑफकोर्स चलो 2 एस एस डी इज इक्वल टू सपोज टी ए. अब ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो हम लिख सकते हैं भाई प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप. प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल एंड नॉन नॉर्मल, प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप विद एनी सब ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप,
है ना। तो अगर h मेरा नॉर्मल है या k मेरा नॉर्मल है, तो एच टी या के टी या एच के, ये सभी जो होंगे वो जी के सब ग्रुप ही होंगे, ठीक है। एंड इट्स ऑर्डर, सो जब आप एच के का जब ऑर्डर लेते हो, सिंस ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, है ना। तो इसके थ्रू अगर आप देखोगे तो इनके ऑर्डर जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फाइव एंड टू, इनके साथ प्रोडक्ट करते रहो, टू इंटू थ्री, ये सब। सिंस दिस देयरफॉर जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर थ्री फाइव एंड टू, थ्री फाइव तो डायरेक्ट लिख दिया है ना, एंड अगर नॉर्मल है तो ये मल्टीप्लाई कर दो, चलो सिक्स ले लो, टेन ले लो, जी हैज सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर टू थ्री फाइव सिक्स टेन एंड फिफ्टीन, एंड ऑफकोर्स वन एंड थर्टी ऑल्सो, बिकॉज वन इज ऑलवेज एग्जिस्ट हियर, ट्रिवियल है, एंड थर्टी इज ऑल्सो एग्जिस्ट इट सेल्फ है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम होल्ड फॉर दी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, ठीक है। अब देखो इसी में बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसी में अगर मैं कहूँ कि भाई चलो आपने तो नंबर 13 दे ही दिया है ना, मतलब ऑर्डर 30 के जो है सब ग्रुप्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी डिवाइजर हो है उस ऑर्डर का। नाउ व्हाट अबाउट वो जो ग्रुप 30 होगा वो कैसा होगा, वो जो ग्रुप ग्रुप का ऑर्डर जो 30 है वो ग्रुप जो होगा वो किस किस टाइप का हो सकता है, सपोज ये हमें फाइंड आउट करना है इसमें। तो देखो जरा, अब देखो इन एनी केस, एक केस भी उठा लो आप, तो भाई या तो 3SSG यूनिक होगा या 5SSG यूनिक हो रहा है। यहाँ से इन एनी केस या तो 2 तो किसी केस में यूनिक नहीं दिखा रहा है, हम जब सिलो से जा रहे हैं। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि 2SSG सिलो अगर नहीं दिखा रहा है 2SSG यूनिक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे 2SSG भी यूनिक नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रुप के बारे में हमें नहीं पता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, जस्ट हम सिलो थ्योरम का ही यूज करके बताएंगे। देखो क्योंकि भाई Z30 अगर हो गया, Z30 हो गया वो जो ग्रुप गिवन है, तो यहाँ पे तो जो 2SSG होगा उस जिस और ग्रुप का ऑर्डर 2 होगा वो भी आपका यूनिक होगा, साइक्लिक है ना। तो जस्ट हमें ये इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, जस्ट हमें जो भी सिलो कहता है बस उसी को मानना है और उसी को आगे लेके चलना है। अब देखो इसने कहा है इन एनी केस, या तो एक बार वो कह रहा है एच होगा यूनिक, या ये तो डेफिनेटली कन्फर्म दे दिया है उसने, कन्फर्म बोल दिया है, अगर या तो 5SSG यूनिक होगा या 3SSG यूनिक होगा, ठीक है। इन एनी केस 3SSG और 5SSG यूनिक, सपोज हियर से एच इज द 3SSG एंड सपोज के इज द 5SSG, सिंस 3SSG और 5SSG यूनिक, सो इट इम्प्लाई या तो 3SSG नॉर्मल होगा और या तो 5SSG नॉर्मल होगा। इसकी पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, किसी एक केस में तो एटलीस्ट एक तो नॉर्मल होगा, तो या तो यहाँ पे मैं जस्ट और करके लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3SSG या तो नॉर्मल हो रहा है, 5SSG या तो नॉर्मल होगा, इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा, हो सकता है दोनों हो जाए यूनिक, हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट एक केस में एक तो नॉर्मल हो ही रहा है, कोई भी केस आप बना लो। तो अगर आप ऐसा देख रहे हो ये बन रहा है यूनिक, तो भाई या तो 3SSG नॉर्मल होगा या 5SSG नॉर्मल होगा। तो से एक मेरा एच है और ये के, ये मेरा एच के, तो अगर एक भी कोई भी नॉर्मल है, एक भी कोई सब ग्रुप नॉर्मल है, सो तो इसका जो प्रोडक्ट होगा एच के, ये भी आपका सब ग्रुप होगा जी का। तो हम देख सकते हैं, चलो इसको नाम दे देते हैं अगेन, इसको से एच के इक्वल्स टू सपोज टी, सो दिस टी, टी क्या होगा, ऑफकोर्स एच के, टी जो होगा, देखो टी विल बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, बिकॉज इंडेक्स ऑफ टी इन दिस जी इज इक्वल टू 2, आ रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एच के इक्वल टू टी है, तो एच के का ऑर्डर क्या होगा, वाई सो 15 ही होगा, क्योंकि एच में केवल जो है एच का ऑर्डर है 3, तो इसमें ऑर्डर 3 और आइडेंटिटी यूज हो रहा है। के में के का ऑर्डर है 5, तो 5 में ऑर्डर 5 के एलिमेंट और आइडेंटिटी यूज हो रहा है, तो इंटरसेक्शन में जो है केवल एक एलिमेंट आएगा विच इज आइडेंटिटी, सो ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन
ये एक्चुअली आया ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के से। तो ये 15 है, टी नॉर्मल है 15 है। देखो टी जो है हमारा, दिस टी इज नथिंग बट एच के। अगर ये टी मेरा नॉर्मल है और इसका ऑर्डर है 15 एंड कॉस ऑर्डर ऑफ टी इज 15, तो आगे अभी हम करेंगे क्योंकि ये अभी हमने किया नहीं है। तो जो ऑर्डर 15 का जो भी ग्रुप होगा वो ऑलवेज साइक्लिक होगा। सो टी इज साइक्लिक। सो टी, इफ टी इज साइक्लिक देन दिस इज जेनरेटेड बाई सिंगल एलिमेंट। अभी एप्लीकेशन में जो है ना, शेलो थ्योरम के ऑफकोर्स एप्लीकेशन कर रहे हैं, हम बताएंगे ऑर्डर 15 का जो भी ग्रुप होगा वो ऑलवेज साइक्लिक होता है, इसका प्रूफ भी करना है हमें। सो सपोज टी इज जेनरेटेड बाई सिंगल एलिमेंट दिस, बिकॉज टी इज साइक्लिक, हम इसका प्रूफ भी करना है, ठीक है। टी साइक्लिक होगा ये प्रूफ करेंगे हम, प्रूफ बाद में करेंगे क्योंकि एक पूरा थियरम है वो हम बाद में देखेंगे। वो थियरम आते ही आप दिखा सकते हो, जैसे सिंगल प्राइम जो होता है वो तो ऑलवेज साइक्लिक होता है, तो एक दूसरा भी आपका थियरम बन जाएगा जो आप देखते ही बता पाओगे कि भाई इस ऑर्डर के जो होंगे वो ऑलवेज साइक्लिक ही होंगे, है ना। जैसे ऑर्डर 15 का है वो साइक्लिक हो रहा है, तो और भी होंगे नंबर्स प्राइम प्रोडक्ट, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा उसमें, वो आगे देखेंगे। देखो टी अगर साइसेंस टी इज साइक्लिक, सपोज वी नो, है ना, ये अभी आगे जाके हम प्रूफ करेंगे टी साइक्लिक है, तो ये सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा होगा। और ऑफकोर्स देखो यहाँ पे टी जो है नॉर्मल भी है, टी साइक्लिक भी है और टी नॉर्मल भी है, और ये जो टी बना है मेरा 3 और 5 SSG से मिलके बना है। अभी 2 SSG के एलिमेंट हमने कहीं यूज नहीं किए, 2 SSG के एलिमेंट हमने कहीं यूज नहीं किए, सो लेट एस इज 2 SS। तो ऑफकोर्स एस का जो ऑर्डर होगा अगर 2 SSG है, ये तो ऑर्डर 2 का ही होगा। सो एंड ऑर्डर 2 का ऑलवेज साइक्लिक होता है, तो सपोज दिस इज जनरेटेड बाय दिस एक्ट, ठीक है। अब देखो जरा टी क्या है, टी किसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। ऑफकोर्स टी नॉर्मल भी है, तो टी नॉर्मल है, जी का सब ग्रुप है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से T into S भी Z का सब ग्रुप होगा। अब देखो जरा ये TS का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, ये 30 हो जाएगा बिकॉज इट्स ऑर्डर इज, ये T का ऑर्डर है 15, S का ऑर्डर है 2, तो 15 into 2 upon 1। सो ये ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, जब ग्रुप TS जो है ग्रुप के इक्वल के, चलो इसको TS ST कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्स वाई के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ एलिमेंट, तो एस टी कर दे क्योंकि टी में वाई एलिमेंट टाइप के है ना, एस में एक्स एलिमेंट टाइप के, तो एक्स वाई फॉर्मेट में मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो देखो अगर ऐसा है तो यहाँ से आप बोल सकते हो भाई एस टी जो होगा वो जी के इक्वल आएगा। तो जी कैसा होगा एस टी टाइप का होगा। एस टी में कैसे एलिमेंट होंगे, ऑफकोर्स देखो G इज इक्वल टू S, S में कैसे एलिमेंट है, S जो X से जनरेट हो रहे हैं S में, और Y T में Y से जो जनरेट हो रहे हैं Y से, यानी ये X टू द पावर S एंड Y टू द पावर T टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। और S जो होगा 0 to 1 वेरी करेगा, एंड जो T होगा 14 या 1 टू 15 या 1 टू 2 कर सकता हूँ, जैसे 2 आएगा वो आइडेंटिटी दे देगा, है ना, जैसे 15 आएगा वो आइडेंटिटी दे देगा, या यहाँ पे जैसे 0 आएगा ये y टू द पावर 0 विल बी आइडेंटिटी। तो z जो होगा ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ z इज द फॉर्म ऑफ x टू द पावर s एंड y टू द पावर t, ठीक है। तो z में कैसे एलिमेंट होंगे, इस टाइप के एलिमेंट। अब देखो जरा, अब ये z जो होगा वो क्या हो सकता है, अगर आपको बताना है तो ये z क्या हो सकता है, मतलब z क्या, z क्या z जो है ये Z30 है, या z जो है D15 है, या कुछ अदर, तो क्या हो सकता है ये, वो देखते हैं हम। देखो एक्चुअली में जो क्लासिफिकेशन, जो एक्चुअली में वो 420 में जो मैंने टेबल आपको दिखाया था जिसमें अप टू आइसोमॉर्फिज्म था, तो अगर हम वो टेबल देखें जिसमें एक्चुअली प्रॉपर दे रखा है वो बना के, तो उसमें हम जाके देखेंगे तो ऑर्डर 30 के केवल अप टू आइसोमॉर्फिज्म जो ग्रुप है वो 4 है, ठीक है, 4 है। तो एक्चुअली वो कैसे उन्होंने निकाला, देखो मैं जस्ट ये इसको बता रहा हूँ ये पूरा करके, बहुत टाइम टेकिंग होता है ये चीज़ें, तो जस्ट एक करके देखते हैं हम, बाद में आप
कर सकते हो और भी, लेकिन ये सारे एक ऑर्डर के लिए हम नहीं कर सकते, ध्यान रखना। हमें यहाँ पे जो है कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको नहीं बोल सकते भाई ये यही होगा। ऑफकोर्स देखो, मैं और इसमें और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और डाल रहा हूँ, देखो तब भी आप नहीं बता सकते कि वो इसी के आइसोमॉर्फिक, किसी इन में से किसी एक के आइसोमॉर्फिक होगा। देखो, सिंस ये टी इज नॉर्मल इन जी, देन एक्स वाई, टी के एलिमेंट कैसे मैंने लिया है जरा देखो, टी के एलिमेंट वाई से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई एक्स इनवर्स जब मैं करूंगा वो ऑलवेज इसी टी का ही एलिमेंट होगा, सपोज वाई टू द पावर आई। तो अब यहां से मैंने लिखा देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई आई एक्स। अब मैं अगर ये लिख दूं जी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एस वाई टू द पावर टी, है ना, एंड ऑफकोर्स आई, वेयर दिस आई, देखो जो आई होगा यहाँ पे, आई जो होगा वाई की पावर में, तो y की पावर में जब भी i 15 हो रहा होगा वो मेरा आइडेंटिटी बन रहा होगा, तो जो i होगा यहाँ पे, i जो होगा i varies from 1 to 15, ठीक है, i varies from 1 to 15। अगर मैं ऐसे लिख लूँ, ठीक है, और ये एक्स वाई इज इक्वल टू वाई आई एक्स लिख दूँ, और मैं ये भी लिख दूँ जो i है वो 1 से 15 है, ठीक है, एंड ऑफकोर्स ऑर्डर ऑफ s जो है मेरा वो 2a, सॉरी ऑर्डर ऑफ एक्स जो है मेरा 2a। अब भी भूल के भी आप मत कह देना भाई ये डी 15 है, एंड देखो कितना मतलब कॉम्प्लिकेशन, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे नहीं, कॉम्पिटेटिव में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो दे देता है ये, तो बताओ कौन सा होगा, ठीक है, इस टाइप का दिया होगा, तो अब आपको हमें नहीं पता है किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो आप डायरेक्ट कन्फ्यूजन, देखो आप यही सोचते हो अच्छा ऑर्डर 2 दिया है, ये दिया है, ये रिलेशन जो है दिस इज नॉट ए रिलेशन, ये वाला रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट, ये जो रिलेशन है ये नहीं है, क्योंकि ये तो हमने बस यही लिखा है और कुछ नहीं किया है, क्योंकि टी इज द नॉर्मल, ठीक है, टी इज द नॉर्मल, तो यहाँ से हमने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा है, जी जो है ऐसा हो सकता है। अब देखो यहाँ से अगर आई के बारे में आपको कुछ पता चल जाए कि ये आई क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हो ये ग्रुप आपका क्या हो सकता है ना। अगर आई अगर माइनस वन हो जाए तो भाई ये डी 15 होगा, क्लियर। अगर अगर सपोज आई जो है कुछ और हो जाए, अब मैं यहाँ पे कुछ कह तो नहीं सकता क्योंकि मैंने इसके ऑर्डर तो चेक नहीं किए, अदर वाई आई जो है अगर कुछ और हो जाता है, तो उस केस में ये आपका जी जो है कुछ और हो जाएगा। तो टोटली जो जी है वो डिपेंड कर रहा है आई पे, यानी अगर आपको जी ग्रुप ये बोलना है, जी का स्ट्रक्चर अगर आपको कम्प्लीटली डिटरमाइन करना है, सो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या होगी। अगर जैसे ही हमें आई की वैल्यू पता चल जाए, मतलब कितने वैल्यूज आ रहे हैं, उतने ही इसके ग्रुप्स बन जाएंगे, यानी ऑर्डर 30 के नॉन आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप होंगे उतने ही होंगे जितने हमारे पास आई आएगा, यहाँ पे जो आई है वो आएगा। तो ये आई आएगा कैसे, ये आई की वैल्यू आएंगी कैसे, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो ऑफकोर्स हियर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जी का स्ट्रक्चर, सो हम यहाँ पे ये लिख सकते द स्ट्रक्चर ऑफ जी इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाई द वैल्यू ऑफ आई। अब हमें इस मतलब आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सो वी टू फाइंड द पॉसिबिलिटीज फॉर आई, देखो टू फाइंड दिस वी ऑब्जर्व दैट, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो हम कह ही सकते हैं जो आई है वो देखो कहाँ 1 टू 15 पे वेरी कर रहा है, तो जब मैं वाई आई का ऑर्डर मैं देखूंगा, ठीक है, वो वाई के ऑर्डर के इक्वल कब होगा, वाई आई का ऑर्डर जो है वाई के ऑर्डर के इक्वल के कब होगा, वाई का ऑर्डर क्या है यहाँ पे देखो, वाई का ऑर्डर हम ले रहे हैं वाई इज जनरेट ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, तो ऑर्डर 15 का साइक्लिक ग्रुप बना रहा है, तो वाई आई का ऑर्डर 15 तभी होगा जब 15 के साथ आई का जी सी डी 1 हो, है ना, इफ जी सी डी ऑफ आई एंड 15 इज 1, देखो, सो जस्ट आई की वैल्यू फाइंड आउट कर, तो वाई इक्वस टू मैं ये लिख सकता हूँ, वाई इक्वस टू वाई लिख सकता हूँ, है ना, और हमारे पास एक ये रिलेशन है एक्स वाई एक्स इन्वर्स करने पे वाई आई आ रहा है, तो मैं इसको
एक्स वाई एक्स इनवर्स लिख सकता हूँ, तब लिख सकता हूँ जब मैं यहाँ पे एक्स से ऑपरेट करूँ और यहाँ एक्स इनवर्स से ऑपरेट करूँ। तो ये बात वाई ही है, ये दिस इज वाई, ठीक है, ये वाई ही है। तो मैं इसको ब्रैकेट एसोसिएटिव से ये ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ जस्ट। तो एक्स इनवर्स एक्स वाई एक्स इनवर्स, तो एक्स वाई एक्स इनवर्स की वैल्यू हमारी है वाई आई, वाई टू द पावर आई। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ वाई टू द पावर आई, दिस इज एक्स। सो एक्स इनवर्स, देखो एक्स व्हाट इज एक्स, ऑर्डर टू का है। तो जब एक्स ऑर्डर टू का है, तो जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इट मीन्स एक्स इज सेल्फ इनवर्स। तो ये एक्स इनवर्स को मैं एक्स कर रहा हूँ एंड इस एक्स को मैं एक्स इनवर्स लिख रहा हूँ बिकॉज एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, ठीक है। ये नाउ अगेन एक्स वाई आई, एक्स वाई आई एक्स इनवर्स। सो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ एक्स वाई एक्स इनवर्स टू द पावर आई, क्योंकि ये आपको पता है ना, पावर एन इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एन ए इनवर्स। तो ये मैंने लिख दिया। अगेन एक्स वाई एक्स इनवर्स की वैल्यू है वाई टू द पावर आई, सो वाई टू द पावर आई इज इक्वल टू, सॉरी वाई टू द पावर आई टू द पावर आई, सो इट इज वाई टू द पावर आई स्क्वायर, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर आई स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ से वाई टू द पावर आई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक्चुअली में वी आर डिटरमाइनिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या हो सकती है वो डिटरमाइन कर रहे हैं। नाउ अगर ये ई के इक्वल है तो हमें पता है ए आई इक्वल्स टू ए जे क्राइटेरिया से जो ये जो वाई का ऑर्डर होगा है ना, इसको डिवाइड करेगा, क्लियर। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ वाई, ऑर्डर ऑफ वाई इज 15, ऑर्डर ऑफ वाई इज 15, इट मीन्स दिस 15 डिवाइड आई स्क्वायर माइनस वन। सो नाउ सी हियर, 15 क्या है हमारा, अगेन 15 इज 3 इंटू 5, अगर 15 3 इंटू 5 पे, सो जस्ट अ लार्ज नंबर लो यहाँ पे 15 3 इंटू 5 जो लार्ज फैक्टर है विच इज 5, सो 5 ऑल्सो डिवाइड या तो i प्लस 1 या i माइनस 1 को डिवाइड करेगा, ठीक है, या तो i प्लस 1 को डिवाइड करेगा या i माइनस 1, बिकॉज i माइनस 1 इज इक्वल टू i प्लस 1 i माइनस 1। तो यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे भी फैक्टर है, तो ये 5 जो है किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक, 1 को तो डिवाइड नहीं करेगा है ना, इसके मल्टीपल में 1 भी है, 1 को तो नहीं करेगा, लेकिन कोई एक फैक्टर होगा उसको पक्का 5 जो है डिवाइड कर रहा होगा। सो यहाँ से आपको दिख रहा है 5 अगर i प्लस माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, सी हियर, सो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर k बिलोंग्स टू z सच दैट 5k इज इक्वल टू i प्लस माइनस 1, है ना। तो ये लिख सकता हूँ क्योंकि वो भाई डिवाइड कर रहा है ना, तो इसी फॉर्म में आएगा ये। तो ये अगर ऐसा है तो मैं अगर i की वैल्यू देखना चाहूँ प्लस माइनस 1 को इस साइड भेज दो, तो ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसको मैं प्लस माइनस 1 ही लिख रहा हूँ, प्लस 5k, है ना। तो i जो आएगा प्लस माइनस 1 प्लस 5k आया। सो k इज सम इंटीजर, सो सपोज k इक्वल्स टू 1 2 3, सब आपको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, चलो z इक्वल्स टू सपोज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मैं ये लिख सकता हूँ अगर k इक्वल्स टू 0 हो गया तो i क्या होगा, प्लस माइनस 1, अगर k इक्वल्स टू 1 हो गया तो क्या हुआ, ये 4 and 6, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठे लिख रहा हूँ मैं, एंड ऐसे लिखते हैं ना और करके 4 और 6। अगर k इक्वल्स टू क्या ले रहे हो यहाँ पे, नेक्स्ट वाला 2, 9 और 11 एंड फाइनल लास्ट 14 और 16 की। अब यहीं तक लेंगे क्योंकि देखो i की वैल्यू अगर 16 होगी तो y टू द पावर 16 जो होगा y टू द पावर 15 प्लस 1 विच इज y टू द पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो यहीं तक लेंगे क्योंकि आगे भी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज i इज नथिंग बट ए पावर ऑफ y, तो मैं यहीं तक ले रहा हूँ। अब आप देखो i की वैल्यू मैं यहाँ से 1 ले रहा हूँ सिंगल, और ऑफकोर्स जी सी डी ऑफ i कॉमा 15 इज 1। तो जी सी डी, अब देखो 6 के साथ तो जी सी डी 1 नहीं है बट 4 के साथ है, तो यहाँ 4 ले रहा हूँ। माइनस 1 यहाँ निगलेक्ट किया मैंने, देखो माइनस 1 क्यों किया, मैं 1 माइनस 1 भी ले सकता हूँ यहाँ पे, 1 और माइनस 1, ठीक है, या चलो जी सी डी हमने 1 कहा है ना, आई आए, ठीक है 1 के साथ आ रहा है, तो
तो 1 लिया या 4 लिया, अब यहाँ पे 9 नहीं ले सकता, 11 लिया और इसके लिए मैंने 14 ले रहा हूँ। अब 14 आएगा, अब मैंने 16 भी ले सकता हूँ, आपको 16 भी ले सकता हूँ, लेकिन ये होगा कि 16 जब हम पावर करेंगे इट विल बी ये 1 के इक्वल में आएगा। हाँ 1 के इक्वल आएगा। और जब हम 14 ले रहे तो 14 ले रहे तो देखो 14 y टू द पावर 14 इज नथिंग बट y इनवर्स, है ना, y टू द पावर -1 आएगा। तो -1 को मैंने यहाँ निगलेक्ट इसलिए किया है, या तो आप -1 को यहाँ ले लो तो 14 को छोड़ दो, लेकिन जस्ट मैं लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो i होगा वो मैं पॉजिटिव इंटीजर लेना चाह रहा हूँ, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने -1 को छोड़ दिया, 14 को ले लिया, क्योंकि दोनों से ऑपरेट करने पे वो सेम चीज़ें दे रहा है यहाँ पे। तो आई की वैल्यू आई 1, 4, 11 एंड 14। सो कितनी वैल्यू आई? 4 वैल्यू आई। सो यहाँ से ये कन्फर्म होता है दियर आर 4 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पे इट मीन्स आई की 4 वैल्यू आई, तो इट मीन्स जो ग्रुप होगा ऑफकोर्स, देखो जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो आपका ये बनेगा, कहाँ गया जी, हमने लिखा था स्ट्रक्चर ये, एक तो ये बनेगा एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1x, यानी वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। दूसरा बनेगा दूसरे वैल्यू के लिए, यानी पावर 4 के लिए। थर्ड बनेगा इस तरीके से, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनेंगे हमारे 1, 4, 11 और 14 के लिए। सो दियर आर 4 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 अप टू आइसोमॉर्फ। सो बाई जस्ट ऑब्जर्वेशन वो क्या क्या होंगे वो लिख रहा हूं मैं, जो हमने नॉन ग्रुप के फॉर्म में, नॉन ग्रुप के प्रोडक्ट के फॉर्म में, दे आर, देखो ऑर्डर 40, ऑर्डर 30 के मुझे ग्रुप बनाने हैं विच आर डिस्टिंक्ट। सो एक तो Z30 ले रहा हूँ और एक मैं D15 ले रहा हूँ, ठीक है, ये ऑर्डर 13 के, ये नॉन अबेलियन। एंड एक मैं ले सकता हूँ Z3 क्रॉस D5, है ना, 3 × 10 30 हो गया ऑर्डर 30 का, तो ये भी डिस्टिंक्ट है, ठीक है, ये भी डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट के लिए हम जस्ट देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 हम देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना ले कितने आएंगे, यहाँ पे 5 आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2, यहाँ पे 15 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है। एंड एक और ले सकता हूँ मैं Z5 क्रॉस D3, ठीक है। अब Z5 क्रॉस D3 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 जो होंगे वो 3 हो जाएंगे। तो दे ऑल आर डिस्टिंक्ट, से देयरफॉर यही जो ग्रुप होंगे वो ऑर्डर 30 के होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये नॉन आइसोमॉर्फिक आपको क्लेम करना है, टू क्लेम नॉन आइसोमॉर्फिक। सो आप जस्ट फाइंड करो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, है ना, बस बता दो भाई इसमें ऑर्डर 2 के एलिमेंट ये है, इसमें ये है, ये है, ये है। जैसे तीनों में जैसे चारों में डिस्टिंक्ट आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2, सो ये ऑलवेज नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक। सो यहाँ से होता है हमारा जस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, अगर बाई चांस पूछ लेता है सो यही आंसर होगा आपका। तो इतना मतलब एक ग्रुप के लिए इतनी मेहनत लगती है, जो टेबल बने हैं ऑर्डर अप टू 10 अप टू 100 वाला, है ना, 1, 2 से लेके 100 जो ग्रुप एक बना है हमारा, ये जो टेबल बना है बहुत मतलब टाइम लगा इसे बनने में, है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने, मैं 1 से लेके 20 तक भी मैं कहूँ 21, अगर 1 से 21 तक भी आपने अगर याद कर लिए कि इतने होते टोटल, तो बहुत आसान हो जाता है कि भाई नंबर ऑफ अप टू आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप की कैसे मतलब कितने होंगे, नॉन अबेलियन कितने होंगे, अबेलियन कितने होंगे। देखो अबेलियन तो बहुत ईजी आसान है, अप टू अबेलियन ग्रुप, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है हमारे पास, तो अबेलियन ग्रुप तो हम इजीली बता सकते हैं इतने होते, बट टोटल के लिए जस्ट हमें जाना पड़ेगा ऑफकोर्स ये सीलो थ्योरम के थ्रू।